وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يكتب كتاب عليه जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत हासिल करेंत मरत नाजी कर वर्क़ाम इकराम सूर्म आयत नंबर एक हिस्सा सोम दर्श नंबर पाँच सौ चौबीस आज का मौजू क्या हम आमला तोहद के कायल नहीं हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्त सबक का एदा होगा पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نهاية رحم والا ہے الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जिसने और को पैदा किया। और अंधेरा और का मजमून तोहेद को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका जो मतजाद है शिरक आपको मैंने बताया था और कि ये एक बहुत बुनियादी बात है और यही तोहद जो है ये हमारी अगर हमने इसको कबूल कर लिया अल्लाह ताला को इलाह वाहिद तस्लीम कर लिया तो हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे और अगर हमने अल्लाह ताला के तला वाहिद होने की अमली तौर पे शहादत ना दी तो फिर जन्नत में हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा ये बात नोट कर लें छोटी सी बात है अच्छा अब इसमें तोहैद का मज़मून मैं आपको बयान कर रहा था और मैंने आपको गुज्त सबक में ये भी कहा था कि यह एक हॉट कैश है तोहद तो की मिसाल एक हॉट कैश की सी है और अल्लाह ताली ने यानी यह नक़द सौदा है आप तोद को कबूल कर लें और अपने मालो जान का ताला को दे दें तो आप जन्नती बन जाएंगे लेकिन अगर आपने तोहद को कबूल ना किया तो आप जन्नत में जाने का हक खो बैठे ये सादी सी बात है लेकिन यानी ये, ये गहराई तक है अच्छा आप थोड़ा सा मैं अगर तफसीली तौर पे आपको बताऊं कि तोहद दरअसल है क्या और ये क्यों है अल्लाह ताला ने तमाम यानी इतना ज़रूरी इसको क्यों करार दिया है देखें तोहद जो है ये बुनियादी एक आपको मैंने बताया था कि ये यही एक बुनियादी बात है जिसको अगर आप कबूल कर लेते हैं तो आप जन्नत के हकदार बन जाते हैं अब थोड़ा सा तोहद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं देखें अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है अपने लिए ये तो मैं आपको कह भी चुका हूं कहता भी रहूंगा ये नहीं कोई और मकसूद नहीं है हमारा मकसूद अल्लाह है वह हमारा वापस लौटना तैयारी के साथ अल्लाह के पास है वले मन खौफा मकाम रब्बी ही जन्नता और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा तो उसके लिए दो जन्नतें हैं तो यहां भी अच्छा अब मैं तोहद की देखें मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह ताला से तोफ़ी और इमदाद तलब करते हुए कि आपके सामने बहुत आसान तरीक़े से आपको ये बता सकूँ कि तोहद दरअसल है क्या और इसकी तफसील थोड़ी सी क्या है तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और तमाम मखलूक में हम मुनफरद मखलूक़ हैं जिसको अल्लाह त मजबूर पैदा नहीं किया है बाकी तमाम मखलूक़ात मजबूर है, मजबूर महज हैं किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है और कुल कद कदम सलात व तस्बीहा हर मखलूक़ अपना मकसद पैदाइश और अपना काम जानती है और वो कर रही है ये मुख्तसर बात है आपको मैंने बता दी बाकी आप सोच लें सिर्फ इंसान को अल्लाह ताला ने यानी इसकी फितरत में तो इस्लाम मौजूद है लेकिन जब इसका जिसम है या अक़ल है इसको समझ नहीं है ये डार्क में है अंधेरे में है इंसान को मालूम नहीं है कि इसका मकसद हयात क्या है इब्तदाई तौर पे हमें नहीं मालूम होता आप देख लें अच्छा फिर उसके आ, मकसद यानी उस मकसद के हसूल का तरीक़ा भी हमें नहीं मालूम हम अपनी अकल से मालूम नहीं कर सकते मकसद और मकसद तक पहुंचने का रास्ता और उसका तरीक़ा ये हमें अपनी अकल से मालूम नहीं हो सकता तो इसके लिए अल्लाह ताला ने फिर हिदायत भिजवाई है और फिर हमें इख्तियार दे दिया है कि हम हक़ को मंजिल बनाते हैं और के नहीं बनाते ये दोनों यानी हक़ को कबूल करते हैं या उसे इनकार कर देते हैं ये इख्तियार दे के अल्लाह ताला ने हमें भिजवाए यानी हमारे पास इख्तियार है अच्छा ये जो इख्तियार है थोड़ी सी अगर आपकी तवज्जो हो तो ये जो इख्तियार है ये दरअसल यानी यही इख्तियार में तमाम हिकमत है अल्लाह ताला की हमें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है और फिर कहा है कि ये इख्तियार मत इस्तेमाल करो अगर तुम अपनी महाराज को हासिल करना चाहते हो कामयाबी चाहते हो अपने मकसद पैदाइश में फलाह चाहते हो तो आप ये अपना इख्तियार मत इस्तेमाल करो अगर आप अल्लाह ताला से ये वादा कर लेते हैं कि ठीक है मैं अपना इख्तियार आपके हवाले करता हूँ अल्लाह के हवाले करता हूँ तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँ तो अगर ये डीलिंग यह पैकेज आपने कबूल कर लिया तो इसका नाम क्या है तोहीद है कि आप सिर्फ अल्लाह अपने इख्तियार बजाय अल्लाह की, अल्ला की मर्जी से अगर ज़िंदगी गुजारें तो ये तोहीद है और अगर आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे तो ये शिरक हो जाता है क्योंकि इलाह तो एक है और वो अल्लाह है इलाह का माना वो हस्ती जिसकी बात मानी जाए बिला चूनू चरा तो आपने अगर अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया बिलाचूनू चरा और जिंदगी गुजारना का हक़ यानी ये अल्लाह को तो़ी कर दिया अल्लाह को दे दिया कि आप मेरी ज़िंदगी और मौत के मालिक हैं आपकी मर्ज़ी से मैं ज़िंदगी गुजारूँगा या गुज़ारूँगी तो ये तोहद है अगर आपने अपना इख्तियार अल्लाह के हवाले ना किया और ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारने लगे तो फिर आप शर्क में मुबला हो गए अल्लाह के अलावा आपने कोई और अला देख लिया मुख्तसर मैं बात कर रहा हूँ शर क्या है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें तो वो ज़िंदगी मुशरकाना होगी आप शर के मरतकब हो जाएंगे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त हमारा दोस्त बन चुका है और वो है हमारा नफ्स उससे हमने दोस्ती गांठ ली है और उसी की मर्जी से मनचाही ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं जबकि यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है यानी हमारी कामयाबी का नाम में सबसे बड़ी रुकावट है इस पर अगर आपने काबू पा लिया और ज़िंदगी अल्लाह की मर्जी से गुजारी और मन चाहिए ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार न इस्तेमाल कर करने का आपने सौदा कर लिया अल्लाह से कि नहीं आप मेरे मबूद हैं आप मेरे इलाह हैं और ज़िंदगी मैं आपकी मर्जी से गुजारूंगा या गुजारूँगी तो आप कामयाब हैं आपके लिए बशारत है इस दुनिया में भी आप अल्लाह ताला की रहमतों के साय में आ जाएंगे अल्लाह ताला आपका मददगार बन जाएगा और अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए फिर काफ़ी होगा हसबन नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और बहुत अच्छा आ, दोस्त है कारसाज़ है और आ, आ, तो ये बात है सामिक कर तोद और शिरक आसान अल्फाज में अल्लाह की तोफ़ी से और उसकी इमदाद से मैंने आपको बताया यानी आप देख लें कि ये अच्छा इसकी रोशनी में फिर क़ुरान पाक देखें आप और क़ुरान का मतलब करें तो यही मज़मून आपको वजाहत से मिलेगा अगर मैंने आपको कहा कि अगर अब आप जिंदगी आपने अपनी ख्वाहिश से गुजारी तो आप ने मुशरिकाना रविश अपना ली मैं ये नहीं कहता चलें कि आप काफ़िर हो गए या मशरक़ हो गए नहीं कहता चलें लेकिन आपने रविश तो मुशरिकाना अपना लिए वैदिन आल हत लाब्रहानलहू फ्लम हिसाब हो आंद रब्बी ओ कमा आए थे जिसने भी अल्लाह की हुक्म के ख़िलाफ़ किसी और का हुक्म माना तो उसका हिसाब अल्लाह ताला फरमा रहे मैं उससे हिसाब लूँगा तो हिसाब लेने का मतलब क्या है कि आपकी नाकामी है हिसाब किताब तो सबसे होगा लेकिन मन नू शाह जिससे यह पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया है वो हलाक हो जाएगा तो हमारे पास इस वक्त भी क्यों क्यों का जवाब तो नहीं है अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों मन चाहे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं है अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह को आप इलाह वायद आप क्यों नहीं बना रहे तो आप पास कोई जवाब नहीं है देखें ये मुझे ज़रा कहने दें थोड़ी सी तफसील से कि दीन को हमने समझा नहीं है असल दीन ये है असल दीन जो है वो यही है जो मैंने आपको कहा है और बताया है बाकी तो फिर जो है अब आप देख लें सूर्य अनाम शुरू हो रही है इन तो इसमें फिर यही मजामीन है। मिसाल के तौर पर ये सुम लज़ीन कफ़र वब्बिम या अदिलून पहली आयत फिर सुतुम तम तरून और फिर कानू अनहाद्दीन फसोफ अतीम अम्बा मकान भी यहाजी ऊन तो सूर अन आम सामने क्राम बहुत एक ऐसी सूरत है जो कि तोहद के, के मजामी पर मुश्तमिल है और इसमें अल्लाह तरीक़ों से मुख्तलिफ़ यानी देखें हम इंसान हैं हम में से हर एक का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है अल्लाह ताला हर जहन को मुखातिब कर रहा है और हर किस्म के दलाइल जो है हमारे साथ हमारे सामने पेश कर रहा है जैसे कि ये सूर्य नाम इंशाल्लाह हम शुरू कर, करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले यह है कि अलहमद लाजि खलक वल वलरद वजाल ज़ुलुमाते वल बल नूट सजी कफ़र वब्हीम इसके बावजूद जो रब से इनकार करते हैं वो उसके साथ बराबर करते हैं या अदिलून का लफ्ज़ है देखिए मैंने भी आपको ये कहा है कि आप अगर अल्लाह के अलावा कोई हस्ती के कहना मान रहे हैं वो आपका नफ्स है या जो भी है या बाहर हैं या दोस्त है माँ है बाप है भाई है बहन है यार दोस्त है साथी हैं जिसका भी आपने कहना मान लिया अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में आपने रब के साथ किसी को बराबर कर लिया हुक्म मानना उसी का हक बनता है अलाको वल अम्र मखलूक इसकी है हुक्म उसका चलेगा ये बुनियादी मजमून है सामने कराम अल्लाह ताला की तोफीक से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप सारा कुरान रटोल लें मजमून यही है हमारे पास कोई दलील नहीं है कि हम गैर का कहना माने क्यों ला बुरहान लहू भी कि हमारे पास तो कोई दलील नहीं है और हमारी ज़िंदगी तो सारी एक हमारी मिसाल पता है आपको क्या है मैंने आपको कहा भी है एक बेहोश इंसान है एक मुर्दा इंसान है एक सोया हुआ इंसान है हम सब की मिसाल ऐसी है हम हुए हैं देखें हमें अपने दीन की बुनियाद का भी नहीं मालूम और बुनियाद क्या है तोहीद ये हमारे दीन की इस्लाम की बुनियाद है अशदुल्ल अशद मोहम्मद हो व रसूल मैं शहादत देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लाम अल्लाह के रसूल हैं उनके तरीक़े के मुताबिक मैं अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूँगा तो ये दीन की बुनियाद है ये कल में तयबा का मफूम है सामने कल ला अला के सिवा मैंने किसी का कहना नहीं मानना मैंने मेरा मबूद सिर्फ़ अल्लाह है तो ये एक ऐसी बात है कि जो यानी यही कलमा जो है अगर आप इसको समझे नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप हकीकी देखें मैं एक बात कह रहा हूँ इसको ज़रा सुनिए हमारा जो ईमान है ना इस पर आप भरोसा ना करें ये जद्दी पुष्टि तौर पर आप मुसलमान चले आ रहे हैं आप मुझे बताएं कि कब आपने कल में तयबा के मतलब को समझा है कब आपने अल्लाह के रसूल की दावत को समझा है और कब आपने कबूल किया है आप मुझे वो तारीख़ नहीं बता सकते ये कब ऐसा हुआ कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया और आप मोमिन बन गए बताइए आप कब आपने कबूल किया है इस्लाम नहीं सो रहे हैं हम तो सोते में बस कलमे भी पढ़ रहे हैं नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं और जक़ातें भी दे रहे हैं और हज उम्ररे के लिए भी जा रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं भूखे प्यासे रह रहे हैं ये ख्वाब है ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ आपका जो इस्लाम है इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है आप हकीकी तौर पे इस्लाम को न समझते हैं न जानते हैं न जानना चाहते हैं जान गए इसको कबूल भी नहीं करना चाहते आप मगर मेरी बात झूठी हो तो आप मुझे कह दें ईसा <laughs> सलाम तशरीफ लाए उस वक्त ग्यारह लोग थे बस ग्यारह लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और ये तो बस एक भीड़ चाल है मुसलमान के घर में लोग पैदा हो रहे और एक अरब पचास करोड़ लोग बन गए गिनती ये सिर्फ गिनती के मुसलमान हैं इनके ईमान का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है आपको मैं वो मिसाल देता हूँ ना कि मियाँ बीवी डॉक्टर हैं उनका एक बेटा है एक बेटी है और पच्चीस साल उम्र है उन्होंने मैट्रिक पढ़ के जो है स्कूल छोड़ दिया था दोनों ने अब वो हम अब और नहीं पढ़ते बस कुछ और काम करते हैं ये पेशा हमें पसंद नहीं तो क्या आप उसको डॉक्टर कहेंगे वो तो डॉक्टर बनने के लिए तैयार ही नहीं है एक बेटा एक बेटी माँ बाप डॉक्टर और दोनों डॉक्टर एक गायनाकोलोजिस्ट है और एक जो है हार्ट स्पेशलिस्ट है मैट्रिक के बाद या एफए करके दोनों ने कहा कि हम ये काम नहीं करते बेटी ने कहा मैं तो मॉडलिंग करूँगी बेटे ने कहा मैं कोई आ, वो गिटार म्यूजि, म्यूजिक म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ तो एक उधर चला गया एक उधर चली गई तो क्या आप उनको आ, वो बेटी जो है उसको लेडी डॉक्टर कहेंगे उम्र कितनी है पच्चीस साल पच्चीस साल में बन जाता है बच्चा डॉक्टर बन जाता है अच्छी तरीके से पंद्रह पंद्रह साल में मैट्रिक और बाकी दस साल लगा लें स्पेशलाइजेशन के साथ पच्चीस साल में बच्चा स्पेशल डॉक्टर बन जाता है स्पेशलिस्ट लेकिन उसको आप तो डॉक्टर नहीं कहेंगे देखें इसमें ये आप यानी नहीं कह रहे उन बच्चों को डॉक्टर एक को आपने म्यूजिकल स्टार करार दे दिया है दूसरी मॉडल स्टार बन गई तो आप क्यों नहीं कहते उसे लेडी डॉक्टर मुझे बताएं आप भाई वो उस घर में पैदा हुआ है माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं क्यों आप उसको आ, बेटे को और बेटी को डॉक्टर के नाम से नहीं पुकारते मुझे बताएं आप माँ बाप उसके डॉक्टर थे तो ये भी डॉक्टर होंगे ना देखिए बेवकूफ़ अपने आप को ना बनाए आपने न समझा है इस्लाम को न समझना चाहते हैं ये मैं बड़े दुख से कह रूँ ये अल्फाज आप देख लें आज ये जो भीड़ चाल है सारी दुनिया को मकसद बना के दुनिया के पीछे हम दौड़ रहे दुनिया ही हमारा मकसूद है दुनिया ही हमारा महबूब है और दुनिया ही हमारा माबूद है माबूद मतलब इसके सामने हमने सर झुकाए आपके दुनियावी मफादात को उखरवी मफादात पर ओ, कुर्बान करने के लिए तैयार हैं नो वे हो ही नहीं सकता ऐसा ये यानी आप थोड़ा यानी ये जुमला तो हमें अक्सर कहा भी नहीं जाता मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि आप दुनियावी मफादात को उखरवी मफादात पर क़ुर्बान करने के लिए तैयार हैं नहीं है तैयार हमारे तो दुनिया ही मफादात का जो मरकज आए ना दुनिया ही हमारा आ, वो यानी इसकी बुनियाद पे हम जिंदगी गुजारे तो बहर ये सारी सूरत हाल है इसको हमने देखना होगा बहरहाल थोड़ा सा हम ये शुरू करते हैं अपना मज़मून तो बहरल ये ख़ुलासा जो है जो आज हम बयान कर रहे हैं यानी दो ये तमहीद का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह इला वाहिद है और इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो इसे अल्लाह के हुकम के सामने सर झुका के ज़िंदगी गुजारनी होगी और अल्लाह के सिवा किसी के सामने इसने सर नहीं झुकाना और ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से अगर ये गुजारेगा तो ये कामयाब होगा ये खुलासा है बहरहाल अब ये सूरत का मजमून थोड़ा सा शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें अलहमद लहमदल्लाजी खलक समावत नूर अब ये दलाइल है अल्लाह फरमा रहा है कि देखो तुमने जिन हस्तियों के सामने सर झुकाया हुआ है उन्होंने क्या पैदा किया है वो किस चीज के मालिक है उनके पास कितना इख्तियार है कितने वो कादिर हैं कितनी वो उनमें असखुद कोई खूबियां हैं अब जाहिर है कि जिसके सामने आप सर झुकाते हैं तो उसमें तो कोई खूबी होनी चाहिए हमने देखे मैं ज्यादा आप टेंशन ना लें मेरी बातों की हमने पैसे सोना चांदी पैसे अपनी इसके सामने हमने सर झुकाया हुआ है कि नहीं जी बिल्कुल झुकाया आपको मालूम तो इसमें हम कुछ ताकत देखते हैं कि नहीं बिल्कुल ताकत देखते हैं इसमें पैसा दौलत आ, और इसमें हम ताकत देखते हैं हैंदे हैं लोग लोगदे को पीछे दौड़ें भाई मेरा सत्रह है कब अठारह होगा ग्रेड अठारह है कब बीस में जाऊंगा बीस है कब बाईस में जाऊंगा ये आपके मतलब तरीक़ेकार है ज़िंदगी गुजारने का फिर यह है कि इज्जत, आप अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं जो आपकी पोजीशन है वो खूब से खूब तरग आप करना चाहते हैं ज़्यादा मैं तफसील नहीं बयान करता लेकिन देखें यही दौलत इज्जत और शोहरत, हर एक अपने अपने लिहाज से अपनी तारीफ भी चाहता है तो मज़मून इसमें जो पहले आया था इसमें मजमून ये है कि ठीक है तुम अल्लाह के साथ कैसे दूसरी हस्तियों को बराबर कर सकते हो जबकि उनमें तो कोई सिफत कोई तारीफ़ कोई असखुद कोई उसकी सिफत ही नहीं है अब सोना चांदी है चलें आप उसको अहमियत देते हैं लेकिन ये सोना चांदी बनाया किसने है बताएं मुझे मिट्टी को सोना किसने बनाया मिट्टी को चांदी किसने बनाए ये तो आप चा सोना चांदी तो ज़मीन ही से ले रहे हैं तो ये दौलत तो जो नोट आते हैं तो वो तो उसकी बुनियाद तो सोना चांदी है आपको मालूम है तो इसमें क्या ताकत है इस मिट्टी में इस धात में ताकत क्या है क्या इसकी कोई अपनी खसूसियात हैं क्या इन्होंने कोई चीज़ पैदा की है बिल्कुल नहीं वो तो पता ही नहीं हम तो देखें हाय दुनिया हाई दुनिया पुकारते रहते हैं अपने अमल से पुकारते रहते हैं हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया हाय यानी दुनिया के पीछे हम मर मरे जा रहे हैं दुनिया के पीछे जाहरी दौलत इज़्ज़त और शोहरत, इसके पीछे मरे जा रहे तो देखें दुनिया में क्या ऐसी ख़ास बात है जो आपने दुनिया के सामने सर झुका दिया है क्या इसमें अपनी कोई ख़ूबी है ये तो सारी ख़ूबियाँ अगर हैं भी तो ये आताई है अल्लाह की अता करदा है इसके अलावा तो कोई ख़ूबी नहीं है जाहिर में जाहिर को तो अल्लाह ने बनाया है और जाहिर में अपनी कोई खासियत तो नहीं है पहला जो जुमला है अलहमद तमाम तारीफों का मालिक एक जात है असखुद जो ख़ूबियों का मालिक आताई नहीं ज़ाती वो लिल्ला। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए ये नहीं ये देखें दलायल हैं अब अल्लाह ताला दलायल दे रहे हैं। ये सारे अब मजमून आएंगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये मजमून आपको इतना फिर मुश्किल नहीं लगेगा फिर अल्लाह ताला ने क्या किया है हलकत समाव आते वाल आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है तो क्या कोई और किसी में ऐसी सिफात हैं हरगिज नहीं है ये तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन आप सोचें ज़रूर कि आप क्यों गैर के आगे झुके हुए हैं गैर से आपने तो क्यों वाबस्ता कर रखी हैं और गैर के आगे आपने सर भी झुकाया हुआ है गैर से तो है मखलूक़ से फ़ायदा और नुकसान की यानी फ़ायदे की और नुकसान मखलूक़ के नुकसान से आप डरते हैं डरते हैं कि नहीं वह तजारतन तकशोन कसादहा तजारत जिसके नुकसान से आप डरते हैं तो आप देख लो अल्लाह ताला देखें ये दलाइल से देखें तोहेद की दा, दावत जो है वो बसीरत की बिना होती है हमेशा पैगम्बर अगर आता है तो वो कहता है कि भाई मेरा तो मिशन फ़कत यह है हजरू अला बसीरा बसीरत की बुनियाद पे मैं लोगों को दावत देता हूँ अनावा मन तबा मैं और मेरे पैरोकार तो खलक समावा जवलत ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है तारीकी और नूर का बनाने वाला है तारीकी और नूर अब ये रोशनी और अंधेरा ये तो आपको मालूम है सामने राम कि इसका यानी हम दोनों चीज़ों के मोहताज हैं। फिर ये ये यानी ये अंधेरा लाने वाला और फिर रोशनी लाने वाला अंधेरे के बाद ये कौन अल्लाह तो ये तमाम बहुत बड़ी बड़ी सफ़ात हैं और ये सारा यानी कि कोई आसान काम नहीं है बहरअल मैं थोड़ा सा यहाँ वक्फा लेता हूँ

सुमल क़रू बिर यादल तर्जुमा सुना देंद्ल खलमात बल अरदा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने पैदा किए आसमान और ज़मीन वजाल मात बल नूर और रोशनी और तारीकी और रोशनी पैदा की सजी ने कफ़र उमे रबलून इसके बावजूद जो इनकार करते हैं अपने रब से वो अपने रब के साथ और हस्तियों को बराबर करते हैं अब इनायत की तिलावत और तर्जुमा

हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरा और रोशनी बनाई फिर भी काफिर और चीजों को खुदा के बराबर ठहराते हैं रंग निक्रम इसके साथ आज के दर्श का वक्त अख्ताम को पहुंचा